1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से लेकर अनेकों कल्याणकारी योजनाएं मोदी ने लोगों को समर्पित की है और इन योजनाओं का सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट लोगों की आशाओं के अनुरूप ही होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आखिरी बजट और पहला बजट 2014 में देश की बागडोर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली थी। उन्होंने बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं, जिन जन कल्याण योजनाओं के कारण देश के आम जनमानस के जीवन में बदलाव आया है और आप देख भी रहे हैं, चाहे बहुत सारी जो गरीबी हटाने के लिए योजनाएं बनाई गई और देश में जो दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही थी, आज गरीबी की जो परसेंटेज है वो कम हुई है, ये आंकड़े हैं। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं जो लोगों ने सोची तक नहीं थी, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई और भी गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कभी नारा दिया गया था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, पर कोई योजना नहीं बनी। योजनाएं बनाई तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बनी। क्या लगता है सर, जो अभी बजट आने वाला है, क्या ये चुनावी दृष्टि का बजट होगा या फिर? देखिए, मैंने पहले कहा कि चुनाव को आगे रखकर कभी भी बजट नहीं बनाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डे वन से 2014 से जब देश की बागडोर संभाली थी, तब से इस देश को कैसे आगे ले जाएं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे और भी कई क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, उसमें इस देश को आगे कैसे ले जाएं, उसके लिए योजनाएं बनी और उन योजनाओं को लोगों को लाभ मिला। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।